तो नैना और मेघना को कितनी खुशी हुई कि मतलब उनके बनाए हाथ खाने से और उनके आने से घर में मतलब कुछ ना कुछ प्यार कहीं ना कहीं बढ़ता था। खुशहाली दिख रही है। खुशी क्यों नहीं होगी, किसी भी बहू को बहुत खुशी होगी इस बात की। हम दोनों भी बहुत ही खुश हैं। और क्या क्या ट्विस्ट देखने मिलेंगे? बहुत सारे एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगता ही रहेगा डेली के एपिसोड्स में। आप देखते रहिए, मिस मत कीजिए, बहुत कुछ आने वाला है अभी भी। थैंक यू। तो नैना और मेघना दोनों खाना बनाती हुई नजर आई है, लेकिन कुछ दादाजी या पापा जी में कुछ ऐसी कोई बात है जो कुछ आज बड़ा हो गया है घर के लिए? एक्चुअली हाँ, हमने खाना बनाया सबके लिए, चाय वगैरह भी सर्व की और खाना भी बना के तैयार उनको सबको सर्व किया। पापा के साथ में ये है कि आज वो अचानक दादाजी के बगल में जाके बैठ गए और कहा कि आज मैं अपने पिता के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, और वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, शॉक सरप्राइज़, बट बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत क्यूट बात थी, तो वो कुछ अलग हुआ था। तो प्यार दिख रहा है थोड़ा परिवार में, आप देखिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो नैना और मेघना को कितनी खुशी हुई कि मतलब उनके बनाए हाथ खाने से और उनके आने से घर में मतलब कुछ ना कुछ प्यार कहीं ना कहीं बढ़ता था। खुशहाली दिख रही है। खुशी क्यों नहीं होगी, किसी भी बहू को बहुत खुशी होगी इस बात की। हम दोनों भी बहुत ही खुश हैं। और क्या क्या ट्विस्ट देखने मिलेंगे? बहुत सारे एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगता ही रहेगा डेली के एपिसोड्स में। आप देखते रहिए, मिस मत कीजिए, बहुत कुछ आने वाला है अभी भी। थैंक यू। तो नैना और मेघना दोनों खाना बनाती हुई नजर आई है, लेकिन कुछ दादाजी या पापा जी में कुछ ऐसी कोई बात है जो कुछ आज बड़ा हो गया है घर के लिए? एक्चुअली हाँ, हमने खाना बनाया सबके लिए, चाय वगैरह भी सर्व की और खाना भी बना के तैयार उनको सबको सर्व किया। पापा के साथ में ये है कि आज वो अचानक दादाजी के बगल में जाके बैठ गए और कहा कि आज मैं अपने पिता के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, और वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, शॉक सरप्राइज़, बट बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत क्यूट बात थी, तो वो कुछ अलग हुआ था। तो प्यार दिख रहा है थोड़ा परिवार में, आप देखिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो नैना और मेघना को कितनी खुशी हुई कि मतलब उनके बनाए हाथ खाने से और उनके आने से घर में मतलब कुछ ना कुछ प्यार कहीं ना कहीं बढ़ता था। खुशहाली दिख रही है। खुशी क्यों नहीं होगी, किसी भी बहू को बहुत खुशी होगी इस बात की। हम दोनों भी बहुत ही खुश हैं। और क्या क्या ट्विस्ट देखने मिलेंगे? बहुत सारे एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगता ही रहेगा डेली के एपिसोड्स में। आप देखते रहिए, मिस मत कीजिए, बहुत कुछ आने वाला है अभी भी। थैंक यू। तो नैना और मेघना दोनों खाना बनाती हुई नजर आई है, लेकिन कुछ दादाजी या पापा जी में कुछ ऐसी कोई बात है जो कुछ आज बड़ा हो गया है घर के लिए? एक्चुअली हाँ, हमने खाना बनाया सबके लिए, चाय वगैरह भी सर्व की और खाना भी बना के तैयार उनको सबको सर्व किया। पापा के साथ में ये है कि आज वो अचानक दादाजी के बगल में जाके बैठ गए और कहा कि आज मैं अपने पिता के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, और वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, शॉक सरप्राइज़, बट बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत क्यूट बात थी, तो वो कुछ अलग हुआ था। तो प्यार दिख रहा है थोड़ा परिवार में, आप देखिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो नैना और मेघना को कितनी खुशी हुई कि मतलब उनके बनाए हाथ खाने से और उनके आने से घर में मतलब कुछ ना कुछ प्यार कहीं ना कहीं बढ़ता था। खुशहाली दिख रही है। खुशी क्यों नहीं होगी, किसी भी बहू को बहुत खुशी होगी इस बात की। हम दोनों भी बहुत ही खुश हैं। और क्या क्या ट्विस्ट देखने मिलेंगे? बहुत सारे एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगता ही रहेगा डेली के एपिसोड्स में। आप देखते रहिए, मिस मत कीजिए, बहुत कुछ आने वाला है अभी भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू